आपने कभी ना कभी कहीं ना कहीं बंदर को कुछ ना कुछ आपके हाथ से लेकर या किसी के हाथ से लेकर भागते हुए जरूर देखा होगा, या फिर हो सकता है कि सुना हो। कई बार आपके ही हाथ से हो सकता है कि छोटी मोटी चीजें लेकर बंदर भाग गया, और उनसे उनके हाथों से चीजें वापस लेना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। अब हम इस बारे में बात क्यों कर रहे हैं, क्योंकि एक ऐसी ही खबर सामने आई है जिससे आपको इन प्यारे प्यारे बंदरों से शायद डर लगने लगेगा। क्यों? क्योंकि जब तक वो आपके हाथ से केले और प्रसाद छीन कर जाते थे, वो आपको बेशक क्यूट लगे होंगे, पर ये सुनकर आपकी सोच बदल जाएगी। नमस्कार जी, मुझे कहते हैं नामिका पांडे और आप इस वक्त देख रहे हैं वीके न्यूज़। आपको बता दें कि कुछ वक्त पहले लखनऊ में कुत्ते के बच्चे को बंदर लेकर भाग गया था, और बड़ी मुश्किल से उस कुत्ते के बच्चे को बंदर से छुड़वाया गया और उसकी जान बचाई गई। आपको ये मामला भी याद होगा, महाराष्ट्र में दो बंदरों को पकड़ा गया था क्योंकि वो बंदर 250 कुत्तों को मार चुके थे, वो भी बदले की आग में। अब एक खबर ऐसी ही सामने आई है जिसमें एक बंदर 3 साल की बच्ची को लेकर पहाड़ियों में भाग गया। दरअसल माता पिता अपनी बच्ची को छांव में लिटाकर खेत में काम कर रहे थे। माता पिता जब अपनी बच्ची के पास गए तो वहां से बच्ची गायब हो चुकी थी। वो डर गए, सहम गए कि आखिर बच्ची गई कहाँ। फिर उन्होंने पुलिस को कंप्लेन की, पुलिस ने खोजबीन शुरू कर दी। लोगों से पूछताछ के बाद पता चला कि बंदर के हाथ में एक बच्ची को देखा गया है और वो बच्ची को पहाड़ी की तरफ लेकर गया है। आपको बता दें कि ये मामला चाइना से है। फिलहाल काफी मशक्कत के बाद 3 साल की बच्ची को आखिर जंगल की झाड़ियों में ढूंढ लिया गया। बच्ची को कुछ खास चोट तो नहीं आई थी, पर हाँ, उसके शरीर पर कुछ खरोचे थी। बच्ची बहुत ज़्यादा डर चुकी थी, सहमी हुई थी। उससे जब सवाल किया गया कि बंदर कहाँ गया, तो उसने डरते हुए पहाड़ियों की ओर इशारा किया। फिलहाल बच्ची अभी अपने माता पिता के साथ सुरक्षित है। आप इस खबर पर क्या कहेंगे, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। देखते रहे वीके न्यूज़ उत्तर प्रदेश। धन्यवाद। वीके न्यूज़ उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, सच का सारथी।